अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिल की गहराइयों से मोटरबाइक के चढ़ाइयों से ठा 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 करके आपका वेलकम हो गया। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सुबह है, और इस खूबसूरत सुबह के साथ एक खूबसूरत सी बात कि हमारा गया था ट्रिप। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नए बल्लेबाज आए हुए थे, और हमेशा की तरह मैं हूँ अपनी टीम के साथ, क्योंकि आप लोगों को स्क्रीन पे वो नज़र आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। सो गाइस, दिस ट्रिप ये था कि स्कूल के लेवल था, और स्कूल के लेवल के ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सब लोग अपनी अपनी मस्ती मगन थे, जिस कोई तस्वीरें बना रहा था, कोई गप्पे मार रहा था, कोई बल्लेबाज बना हुआ था, तो कोई कुछ कर रहा था, और हम सबको देख के इंजॉय कर रहे थे। सो गाइस, चलो मेरे साथ अब चलते हैं हम अपने ट्रिप की तरफ, जो है गया था मबाली आइलैंड, जो कि एक बहुत ही अच्छी जगह थी, है और रहेगी। यहाँ पे आप फोकस करें हिजाब ज़ैनब को ऑलवेज, उसकी कैसे हो सकता है मेरा ब्लॉग और हिजाब ज़ैनब ना हो ही नहीं सकता। सो गाइस, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ऑलवेज हमेशा की तरह मलाइका आसिफ, जो कि आपने पहले नहीं देखी होगी, अब आप देख लेंगे। ये भी बहुत अच्छी फ्रेंड है, साथ ही हिजाब ज़ैनब, हर जगह हिजाब ज़ैनब मेरे ब्लॉग में एक मेन पर्सन, कभी निमरा, कभी कोई, कभी जीनत, कभी जावेद ज़ैनब। एंड पहले तो हम गए मबाली, यार क्या खूबसूरत जगह थी, खूबसूरत जगह के साथ मौसम और उसका समुंदर उफ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। तो हम लग गए लाइन पे, क्योंकि स्कूल की तरफ ट्रिप था, तो स्कूल ही वाले ले गए। फिर हमने की बोटिंग, और मैं और हिजाब बहुत ही ज़्यादा फास्ट हैं, क्योंकि हमने के हम पहले बैठे हैं, पहले बैठे क्योंकि हमने आगे बैठना था। हम तो बैठ ही गए, साथ ईशा ने क्या किया, ईशा आगे से ही कूद आई, ये देख सकते हैं आप, ईशा हमसे भी फास्ट निकली। सो गाइस, हमने बोटिंग की, बोटिंग से बहुत ज़्यादा मज़ा आया। देख सकते हैं आप, हिजाब ज़ैनब जो है वो अपना कैमरा मैन था हमारा, इसी वजह से हमारी तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा अच्छी आई। यहाँ पे आप लोग सीन तो देख ही सकते हैं, यहाँ पे बेचारे डकी भाई भी नीचे आने लगे थे, उनको मैंने अल्लाह करके बचाया। सो गाइस, बोटिंग हमारी कंप्लीट हो गई, तो फिर हमने कहा क्यों ना हम चले जाए दूसरे इवेंट, क्योंकि तीन चार पैकेज था, यहाँ पे शादी होती थी किसी, नहीं नहीं शादी नहीं होती, किसी की बर्थडे होती। सो गाइस, यहाँ पे हमारा दूसरा जो था वो पैकेज था, पता नहीं उसमें क्या था, कि वॉलीबॉल था, बोटिंग थी और क्या था। सो गाइस, हम चले गए फिर दूसरी जगह वॉलीबॉल खेलने, और वॉलीबॉल खेल के मेरे बहुत ज़्यादा जिप लाइन भी हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमें करने नहीं थी, क्योंकि हम स्कूल की तरफ ट्रिप गया था, तो उन्होंने कहा था हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, हम नहीं खेलने देंगे आपको, ये करने देंगे। सो गाइस, उसके बाद हमने खेला वॉलीबॉल, और क्योंकि इस पैकेज में आता था तो हमने वॉलीबॉल खेला, जो कि बहुत मज़ा आया। उसके बाद इनका तीसरा पैकेज था ड्रिंक, जो कि हमने ड्रिंक पी, और वो बहुत ही टेस्टी थी, और देख सकते हैं जब फ्री की चीज़ मिले तो सब ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, और सारी लाइन में लगे थे क्योंकि फ्री की चीज़ थी। और सो गाइस, फ्री का हमने ड्रिंक पिया एंड बहुत ही टेस्टी था। तो उसके बाद हम चले गए कुछ ये पहले की वीडियो, सॉरी, हमने पानी शानी लिया, और वो कैमरा चार्ज करना था वो भी करवा लिया। उसके बाद हमने कहा दूसरी जगह जाना था खानपुर डैम, तो हम अपनी बसेस की तरफ चले गए। बहुत ही मुश्किल काम है अपनी बस को ढूंढना, उफ। तो उसके बाद बस को ढूंढा कि कौन सी बस है, हम बस पर बैठ गए, और हमने एक्स्ट्रा मिनट, क्योंकि फ्री कम था, मिनट कह रही हूँ, ड्रिंक तो हमने उसको ले लिया बोतल में, और ये व्लॉग को यहीं कर दिया।